घटना घटी थी रात्रि में, उसमें उस महिला ने आरोप दर्ज कराया था, FIR दर्ज कराई थी कि उसको नग्न करके मारपीट किया गया है और उसको पेशाब अभियुक्त के द्वारा पिलाया गया है। इसमें हम लोगों ने जैसे ही कांड दर्ज होते ही SIT का गठन किया, SDPO फतुहा के नेतृत्व में टीम बनी और जल्द से जल्द इस पर हम लोगों ने छापेमारी शुरू करी। अभियुक्त पक्ष घर छोड़ के ताला बंद करके फरार था। इसमें जो मेन अभियुक्त है इसका प्रमोद सिंह, उसकी आज गिरफ्तारी हुई है। इसमें जो अन्य दूसरा अभियुक्त बचा हुआ है, इन्हीं का बेटा है अंशु, उसकी भी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही उसमें कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो FIR में 2 आरोपी का नामजद है और 4 अज्ञात के बारे में बताया, उसमें भी हम लोग पता कर रहे हैं अभियुक्त से कि वो 4 अभियुक्त 4 कौन थे। और गिरफ्तारी कहाँ से हुई? इसकी गिरफ्तारी फतुहा से हुई है, फतुहा ब्लॉक के परिसर के पास सूचना मिली थी तो वहीं से इसको अरेस्ट किया गया है। इनके बेटे के लिए सर वारंट हम लोगों ने प्रे कर दिया है माननीय न्यायालय में, और इसके अलावा जो विक्टिम को मुआवजा मिलता है उसका भी प्रस्ताव हम लोगों की तरफ से भेजा जा चुका है। मामला क्या सर आया सामने, पैसों को लेकर विवाद था या क्या? ये अभी तक जो छानबीन हुई है, इन्वेस्टिगेशन हुआ है, SDPO फतुहा ने इसको लीड किया है। इसमें जो मालूम पड़ा है कि इन दोनों के बीच, यानी विक्टिम और अभियुक्त के बीच में जो है पैसे को लेन देन को विवाद था। ये अभियुक्त बार बार विक्टिम से पैसा डिमांड करता था और पैसा नहीं देने के कारण वो परेशान करता था। घटना के दिन यही कारण था, पैसा ही मांगने गया था तो महिला थी वहाँ पे, महिला के साथ इन्होंने मारपीट किया, दुर्व्यवहार किया और इसके बाद फिर महिला चोटिल हो गई, 112 को कंप्लेंट गई। 112 की टीम तुरंत कार्रवाई करते हुए वहाँ पे पहुँची, महिला को ले करके अस्पताल लेके गई, वहाँ पे FIR, पहले इलाज हुआ फिर FIR दर्ज करके आज हमने इसमें अरेस्टिंग की है।